प्रदेश सरकार की अभियान शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत एक इनके थानाध्यक्ष बनी स्कूली छात्रा प्राची यादव। थानाध्यक्ष ने सुनी फरियादियों की शिकायत सड़क पर की वाहन चेकिंग। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कोतवाली में आज प्राची यादव एशियन स्कूल की टॉपर छात्रा है, जिसे शिकोहाबाद कोतवाली का एक दिन की थानाध्यक्ष बनाया। प्राची यादव ने फरियादियों की शिकायत सुनी, कार्यवाही के तत्काल दरोगाओं को आदेश दिए। कई महिलाओं ने अपनी पीड़ा बताई तो एक भाई ने अपनी बहनों से खतरा बताया तथा मारपीट कर घायल करने की शिकायत की। महिला पुलिस कर्मी ने महिलाओं को लड्डू खिलाए। दिन के थानाध्यक्ष ने तहसील तिराहा पर वाहन चेकिंग की और बिना मास्क बिना हेलमेट वालों के चालान काटे। नाम प्राची यादव है। मैं अभी शिकोहाबाद थाने में बैठी हुई हूँ और एक थाना अध्यक्ष के रूप में, SHO शिकोहाबाद के रूप में मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एक दिन के लिए मुझे मौका मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ बैठकर। ऐसा मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है और ये एक बहुत अच्छा मुद्दा भी है अभी हमारे यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से आपको आज ये कुर्सी हासिल हुई? मैं तो बस अपने स्कूल से घर जा रही थी तो रास्ते में मुझे SHO सर मिले और SI लोग मिले, मतलब अंकल वगैरह। इन लोगों ने मुझे बोला, मैं मास्क लगाई थी प्रॉपर तरीके से, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप बहुत अच्छे से मास्क लगाए हो, ये आप बहुत कानून का पालन कर रहे हो, तो हम आपको एक दिन के लिए SHO का चार्ज देना चाहते हैं अपने थाने का, आप चलना चाहें तो चलें। तो फिर मैंने बोला कि हाँ। मैं कौन से स्कूल की आप थाने में, किस तरह की आपने फरियाद पहली बार सुनी, कैसा लगा आपको, क्या आपने निर्देश दिए? मैं द एशियन स्कूल शिकोहाबाद की छात्रा हूँ, कक्षा 11वीं गणित वर्ग की छात्रा हूँ मैं। मुझे आज थाने में यहाँ पे महिलाओं की समस्याओं को ज़्यादा सुनने को मिला है। महिलाएं हमारे समाज में उनका बहुत उत्पीड़न हो रहा है। जैसे कि एक महिला ने मुझे बताया कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उनके बच्चों को बहुत समस्याएँ आ रही हैं, उनके साथ मारपीट होती है। और एक दूसरी महिला आई, उनके पड़ोसी ने उनके साथ मारपीट की। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आए, अभी एक युवक थे यहाँ पर आए, तो उन्होंने बोला कि उनकी बहनों ने उनके साथ मारपीट की, क्योंकि वो अपने बहनों के ऊपर कुछ रोक लगा रहे थे कि वो बड़े भाई होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे, तो उनकी बहनों ने उनका सिर फोड़ दिया, उनका हाथ खा लिया। ये बहुत गंभीर समस्याएँ हमारे समाज में आजकल जो निकल के आ रही हैं। किस तरह से आपने निर्देश दिए इसको? निर्देश दिए मतलब जिनकी समस्या जो सुनना चाहिए जिसको, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको मैंने निर्देश दिए कि वो आवश्यक जांच करें, उनकी कार्रवाई करें। फिर उस पर कहाँ से बच्ची को चयनित किया, कैसे और किस तरह से उसने काम किया, उसके बारे में? आज श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद के आदेशानुसार सुबह हम लोग एटा रोड पर चेकिंग कर रहे थे, तभी हमको एक लड़की मास्क लगाए हुए आती नजर आई और हम जब मास्क के लिए कह रहे थे तो उसने भी हम लोगों उन महिलाओं से कहा कि आपको मास्क लगाना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगा, हमने उन्हीं संबंध में कुमारी प्राची से कहा कि भाई एक दिन के लिए हम आपको SO बनाना चाहते हैं, उसके संबंध में महिलाओं के संबंध में अच्छे मार्गदर्शन हेतु महिलाओं का उत्साहवर्धन के लिए उनको थाने पर आकर उनकी समस्या सुनिए और उनको दिशा निर्देश दीजिएगा कि हम लोगों को किस तरह से और अच्छा हम कर सकते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुमारी प्राची यादव यहाँ पर आई और एक दिन के SO के रूप में उनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छे तरीके से महिलाओं की समस्या सुन रही है और उनके निदान के हेतु सभी उपनिरीक्षकगणों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। उनके आदेशानुसार आज पाँच प्रार्थना महिलाओं के आए हैं, उन पर उचित कार्रवाई हेतु इन्होंने लिखा है और वो निस्तारण के लिए इलाके में चले गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्राची देसाई महिलाओं का मार्गदर्शन करने में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही है और उनको बहुत अच्छा भविष्य के लिए एक वक्ता और एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है।